नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रहमत नगर में मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा, आमदार और तमाम नगर सेवक शामिल हुए। इस मौका पर हमारे संवाददाता की खास बातचीत हुई बबलू कुरैशी साहब से। क्या कहा उन्होंने, लाइव सुनिए। कितना नंबर वार्ड है ये? 16 नंबर वार्ड है। तो आज ये मुफ्त आरोग्य शिविर जो लगा था, इसमें कौन कौन मेहमान अतिथि आए थे? इसमें लोकप्रिय चिकी दादा ठाकुर और महापौर उमेश जी नाइक और जो अपने एरिया के जितने नगर सेवक सब लोग आए थे। इस आज के शिविर में कितने लोग फ़ायदा उठा पाए? तो हमने यहाँ से 350-400 करीब लोगों को चश्मा मुफ्त में दिया। और ये शिविर क्या हमेशा लगता रहेगा या सिर्फ आज था? नहीं नहीं, अभी जो जैसे पार्टी मुझे आदेश देगी और पार्टी ने मुझे काम करने के लिए चुना, मैं पार्टी के सहयोग में और पार्टी के साथ में खड़ा हूँ। काम जितना मिले मुझे मिलेगा मैं काम करूँगा, जिसमें चाहे वो मुफ्त शिविर हो या मतलब अपना पानी, लाइट या जो भी गटर का काम, जो भी मुझे काम मिलेगा मैं वो काम करूँगा और काम करता रहूँगा। पब्लिक सेवा जो आप करते हैं, आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो उस पब्लिक सेवा के लिए आप क्या उनसे चार्ज भी करते हैं? आप क्या पैसा लेते हैं काम? जी नहीं, क्योंकि आप सहायता करते हैं। नहीं, मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं इससे पहले भी पार्टी से जुड़ा नहीं था। जब से भी मैं समाज की सेवा करता हूँ और लोगों के दुख सुख में काम आता हूँ, तो मैं रहमत नगर में पल पल हर जगह की खबर रखता हूँ, इसलिए कि कोई दुखी परेशान जो होता है वो मुझसे आके मिलता है और मैं उसका काम करता हूँ। और मेरे दिल में यही तमन्ना है कि लोग मुझसे मिलें और मैं उनका काम करता रहूँ। सर, मुफ्त आरोग्य शिविर करके आने वाले वक्तों में जो नगर सेवक का जो चुनाव है, उसको देखते हुए ये तैयारी है या सिर्फ समाज सेवा है? नहीं, मुझे ना चीज से लालच है, मुझे काम से मोहब्बत है और मैं सिर्फ काम के लिए ही जुड़ा हूँ। तो मुझे किसी कभी भी, आज नहीं कभी भी आने वाले वक्त में भी, मुझे किसी का लालच नहीं रहेगा। मुझे सिर्फ काम के लिए और मुझे काम के लिए ही मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। इसलिए मैं बाबू भाई गावड़े जी का काम देखते हुए बहुत मुझे खुशी हुई। मैं सेना में काम करता था, उनको मैंने देखा कई जगह, वो पल पल पर आते जो काम करते हैं, जिसको उनको लेके मेरे को मोहब्बत लगी और मैं उनके साथ में काम करने के लिए इसमें आया हूँ। उसके आगे अभी कल या परसों में शिविर लगने वाला है, कौन सी जगह और कहाँ पर, क्या आपको मालूम है? ये अब हमारा शिविर कल लगेगा। ये हमारे पेंडा भाई हैं, पेंडा भाई और नागिनदास में अपना माता पवेश्वरी मंदिर के पास में ये कल हमारा शिविर वहाँ लग रहा है। तो वहाँ भी मुफ्त जो है चेकअप और चश्मा ये सब दिया? यही सब मुफ्त वहाँ पर भी जो हमने यहाँ रखा है वो भी वहाँ पर भी। चलिए अंसारी साहब, आप समाज सेवा में काफ़ी आगे रहते हैं और जन जागृति फाउंडेशन NGO के आप महाराष्ट्र प्रवक्ता भी हैं, क्या लगता है इस शिविर से कितने लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है? पहले बात तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद इरशाद अंसारी, आप सबको बहुत और DBS चैनल बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हर जगह पहुँच जाती है सही खबर से, और आप लोग हमारे साथ देते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे रहमत नगर है ही, फिर रहमत नगर में आज क्षितिज दादा अभी जो हमारे हैं आगे कभी आया तो पीछे आएगा, पीछे गली में लगाएंगे उनके लड़के हैं। और ये जो नाला सपारा के, जैसे कि सब आप जानते हैं नाला सपारा के आमदार, और क्षितिज दादा आए थे, फिर उमेश नाइक साहब आए थे, यहाँ पे जितने भी हैं नगर सेवक वो सब आए थे यहाँ पे। आज यहाँ पे लगभग कम से कम बोले तो 500-600 इंसान, यानी कि जिनको सब कुछ मिला है। अच्छा, 500-600 इंसान को अभी तक चश्मा वगैरह जो भी है और जो फ़ायदा उठा के गए हैं, और बाकी लेट हो गया, डॉक्टर का खाने का टाइम हो गया था, इसके वजह से अभी
ऑफ हो गया, अब टाइम ऑफ हो गया। अब ये जो है कल ऐसे हर जगह पूरा यहाँ से लेकर पालघर तक जो बहुजन एक ऐसा गाड़ी आज नहीं करेंगे, सालों से यहाँ पे पब्लिक सेवा होते ही रहता है, आज यहाँ तो कल वहाँ। इस तरीके का आपका क्या योगदान था इस शिविर में? इस योगदान की बात है कि जो छिटे दादा है और अपने हितेंद्र जी ठाकुर जो है यहाँ के जो यहाँ से पालघर तक जो अभी भी देख रहे हैं आप डेवलप है जो भी चीज़ है तो सब इनका ही किया हुआ है, कोई दूसरी पार्टी आती नहीं यहाँ पे और ना आने की कोशिश करती है। और रहा बात की कितने पार्टी आए कितने पार्टी चले गए, और जितने ज़्यादा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नेक इंसान है, जितेंद्र ठाकुर साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका क्या योगदान था आज? हमारी योगदान ये है कि हम समाज से उससे जुड़े हैं तो हमें बुलाया जाता है और हम यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पब्लिक सेवा और पब्लिक को फ़ायदा उठाने के लिए। ओके ओके, धन्यवाद।